दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्य जी न्यूज चैनल में। दोस्तों एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समय नई जानकारी लेकर के। दोस्तों आज हम जानकारी देंगे आप सभी लोगों को जो सेबी की तरफ से सेबी के साइट पर आया हुआ है। दोस्तों सेबी ने स्पष्ट बता दिया है कि हम इतने लोगों को पैसा दे चुके हैं, आगे हम बताएंगे कितने लोगों को बताया दे चुके हैं और कितने लोगों को देना बाकी है। और दोस्तों ये भी बात स्पष्ट करना चाहेंगे जो कि सेबी के साइड में ये भी स्पष्ट है कि किन कारणों से 5,000 से नीचे वाले अमाउंट के पैसे नहीं आ पाए हैं, उनके लिए भी आगे रास्ता साफ होने वाला है दोस्तों। लेकिन शर्त यह है कि लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी आप लोग सही बात को समझ पाएंगे। दोस्तों इससे पहले हम चाहेंगे न्यूज बताने से पहले चाहेंगे दोस्तों जो पहली बार चैनल पर न्यूज देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि उन्हें लेटेस्ट न्यूज मिलते रहे दोस्तों। और सब्सक्राइब किए हुए पहले से सब्सक्राइबर भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आते हैं अपने न्यूज पे। दोस्तों ये सेबी के साइट पे न्यूज आया है 3 तारीख को दोस्तों, लेकिन आज हम 5 तारीख को अपलोड कर रहे हैं। स्टेटस ऑफ पेमेंट टू इन्वेस्टर ऑफ PSL LTD एंड डिफेंसेस ऑब्जर्वेड इन क्लेम एप्लीकेशन। दोस्तों पेमेंट का जो स्टेटस है, स्टेटस कितने लोगों को पेमेंट दिया गया या कितने लोगों को नहीं दिया गया इसके बारे में बताया गया है दोस्तों। इसे हम हिंदी में बताएंगे, इंग्लिश में ज़रूर लिखा है लेकिन हिंदी में हम बताएंगे दोस्तों। जो 2500 के आवेदन हुए थे, 2500 के रिफंड हुआ था वो, मतलब 2500 से नीचे वाले, उसमें से जो टोटल दिया गया था 1,89,103 एप्लीकेशन थे जो 2500 से नीचे वाले थे, 1,89,103 एप्लीकेशन दोस्तों थे। और इन ये जो है कि रिफंड किया है फर्स्ट राउंड में, जब पहली बार जब देने को स्टार्ट हुआ तो उसमें जो 2500 से नीचे वाले थे वो 2500 से नीचे वाले रिफंड प्रोसेस में पहली बार दिया गया। दूसरी बार सेकंड राउंड में जो पैसा दिया गया वो जो बाद में फार्म अप्लाई किए गए उसमें भी 2500 से नीचे वाले थे, सब मिला करके 2,77,544 इन्वेस्टरों को अब तक सेबी पैसे दे चुकी है ऐसा बता रही है। सेकंड राउंड में जो प्रोसेस हुआ उसमें 2,77,544 इन्वेस्टरों को पैसा दे चुकी है 5,000 तक वाले को। दोस्तों अब जो लोग 5,000 से कम है, पैसा नहीं आया है किसी भी कारणवश, तो उसमें यह बताया गया है कि वह वेरिफिकेशन में कुछ त्रुटियां थी, उस त्रुटियों के चलते उन लोगों का पैसा नहीं आया है, उनके लिए भी आगे बताया गया है। दोस्तों हम बताएंगे किन कारणों से किन किन बांडों को किन किन तरीके से अप्लाई किया गया है और सबमिट किया गया है, उन लोगों का पैसा अकाउंट में नहीं आया ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, सेबी कह रही है। वो ये कह रही है कि आप लोगों को फार्म भरने में कुछ त्रुटियां हुई हैं, उन त्रुटियों के चलते उन लोगों का पैसा 5,000 से कम है लेकिन अभी तक अकाउंट में भेजा नहीं गया ऐसा सेबी कह रही है। दोस्तों सेबी यही कह रही है कि जिन लोगों के, जैसे कि पहले ऑप्शन पे उन्होंने बताया कि लैंड अलर्टर जहां वो फार्म भरने का ऑप्शन आता था नीचे, उसमें यह कहता था आपके लैंड मतलब ज़मीन अलर्ट हुई है आपके नाम के नहीं, यस नो में जवाब दीजिए, वहां पे लोगों ने यस कर दिया था, इस प्रकार की त्रुटियां हुई पहले स्टेप में, उन लोगों को वो एप्लीकेशन रिजेक्ट माने गए। दूसरा है अमाउंट ऑलरेडी पे, मतलब कि जिन लोगों को PSL पैसा दे चुकी है और बॉन्ड है उसके पास और दोबारा अप्लाई कर, ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर दिया। और तीसरा नंबर है अमाउंट ऑलरेडी पे, मतलब अमाउंट ऑलरेडी पे प्रथम राउंड में जब 2500 के अमाउंट दे रही थी उसी समय लोगों को पैसा दे चुके, ऐसे बॉन्ड
फिर बाद में अपलोड किए गए, ऐसा हम से भी कह रही है, ऐसे फिर से ऑलरेडी मतलब ऐसे रिजेक्ट कर दिया गया, इस प्रकार के बांडों को रिजेक्ट कर दिया गया। और चौथे नंबर पर डी नंबर पर इनकरेक्ट पीएसएल सर्टिफिकेट अपलोडेड, कहने का मतलब यह है कि जो सर्टिफिकेट अपलोड किए गए हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसमें की छवि जो है अच्छी नहीं आई है, ऐसे बांडों को रिजेक्ट कर दिया गया। इनके लिए क्या होगा, फिर से अवसर सेबी देगी, फिर से सेबी अवसर देगी, जल्दी से पोर्टल शुरू होने वाला है, इन लोगों का नंबर फिर से आएगा, पुनः आवेदन करें। दूसरा ई नंबर मतलब कि उसके बाद ई नंबर पर दिया है, ई पर स्कैनड इमेज आप पीएसएल सर्टिफिकेट अपलोडेड बाय द इन्वेस्टर विच आर नॉट एलिजिबल, कहने का मतलब तरीका जिस तरीके से उसमें बताया गया था अपलोड करने के लिए उस तरीके का फॉलो नहीं किया गया, इसलिए वो रिजेक्ट कर दिए गए। उसके बाद इनकरेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल प्रोविडेड बाई इन्वेस्टर इन द क्लेम अप्लीकेशन, कहने का मतलब है इनकरेक्ट बैंक अकाउंट जो है सही नहीं, गलत थे वो सही नहीं पाए गए, इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद नए मैच पर पीएसएल डाटाबेस नॉट मैचिंग विथ, मतलब कि नाम मैच न करने की वजह से वेरिफिकेशन में फार्म रिजेक्ट कर दिए गए, कहने का मतलब आदि और भी कारण हो सकते हैं जिसके चलते वो सही नहीं पाए गए और उनको सेबी ने वेरीफाई के दौरान रिजेक्ट कर दिया इसलिए दोस्तों उन लोगों के पैसे नहीं आए, ऐसा सेबी कह रही है। तो सवाल उठता है क्या 5000 के जो निवेशक थे इतने कम थे कि वो सारे के सारे गलत हो गए, बहुत ही कम ही लोगों के पैसे आए हैं, वो भी सभी लोगों के पैसे नहीं आए, बस चंद लोगों के ही पैसे आए हैं, इससे तो सारे के सारे क्या जो फार्म अप्लाई किए साइबर कैफे वाले ने हैं जो फार्म अप्लाई किया है क्या गलत अप्लाई किया है, सवाल उठता है। सेबी या तो झूठ बोल रही है कि जांच वेरिफिकेशन ठीक से नहीं की, या तो सेबी ने पैसा ना जल्दी भेजना पड़े लेट लपेट करने के चलते सेबी ये बहाना बना रही है, क्या हो सकता है दोस्तों हम नहीं जानते हैं, लेकिन सेबी के साइट पे ये बताया गया है कि बहुत जल्द ही साइट खुलने वाली है, इनके लिए अवसर दिया जाएगा। ऐसे लोगों के जो गलत तरीके से अप्लाई किए गए हैं और जो रह गए हैं बांड उनके लिए पुनः अवसर दिया जाएगा, और कब यही बताया गया, डेट नहीं बताया गया, जल्द से जल्द पोर्टल चालू होगा, लेकिन कब चालू होगा स्पष्ट नहीं बताया गया, लेकिन जल्द से जल्द चालू होगा, ऐसी बात सामने आ रही है दोस्तों, धन्यवाद। तो दोस्तों इस प्रकार से सेबी पैसा देने का विचार कर रही है दोस्तों, देखिए अगर इस प्रकार पैसा देगी कि वेरिफिकेशन के दौरान सभी फार्मों को रिजेक्ट कर देगी और कुछ ही कम ही लोगों को पैसा भेजेगी, थोड़ा बहुत भेजेगी दोस्तों, तो दोस्तों जो भेजने का तरीका है सेबी का पैसा भेजने का, लोढ़ा कमेटी का पैसा भेजने का जो तरीका है बेईमानी है, इस प्रकार से जो पैसा भेज रही है सरासर वो बेईमानी कर रही है, और लोग उस बेईमानी को उसके मजबूरी को लोगों की मजबूरी को से भी फायदा उठा रही है, तो दोस्तों बहुत बड़ी बेईमानी हो रही है। दरअसल बात यह होना चाहिए कि अगर उनको सही तरीके से पैसा देना होता तो वो केवल बांड मांगती, बांड जैसा कि सभी जगह पर मेजॉरिटी होती हैं, जब मेजॉरिटी का नंबर आता है तब बांड ही मांगे जाते हैं और ज़रूरी कागजात मांगे जाते हैं, बल्कि रसीदें नहीं मांगी जाती है कि जितने हमें रसीदें दो हम उतना पैसा दें, ये कौन सी बात हुई। तो दोस्तों इसी से ये साबित हो जाता है कि सेबी एक ऐसी संस्था है जो सरासर सरकार की ऐसी संस्था है जो सरासर बेईमानी करने पर उतारू है और बेईमानी कर रहे, इस बात का मुद्दा
न संसद में उठता है, न कहीं उठता है। जो उठना चाहिए, जिस बात का मुद्दा उठना चाहिए, वो मुद्दा कहीं पर नहीं उठता है। वो जो है कोसों दूर है। क्यों ऐसी संस्था जो है जो बेईमानी कर रही है, रसीदें क्यों मांग रहे, इस पर विचार होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार।